गुरु नानक देव जी ने सदियां पहला भुखे साधुओं नू लंगर छकाया सी, उदों दी प्रथा सिखा शुरू हुई, हर थां पहुँचते ने। भाई कन्हैया जी वांगू कदे भेदभाव नहीं किया जाता, भाई कन्हैया जी पानी पिया रहे सी दुश्मन फौज नू भी, उस तरीके दे नाल सिखां दे लंगर भी वरताए जाते हैं। तुसीं देख रहे हो दुनिया नू इक करन दी ताकत लंगर नू दित्ती। लंगर दे अंदर जदों बैठते हैं किसी का धर्म नहीं पुछा जाता, किसी की जात नहीं पुछी जाती। सदियां पहलां दा इतिहास किवें उंगल फड़ के नाल चलदा, सदियां पहलां दीआं गल्लां उंगल फड़ के नाल चलदियां ने साडी नवीं पीढ़ी दे, जां साडी नवीं पीढ़ी आ सारी, जिन्हां नूं कहा जांदा इह कुछ नहीं करदे, जिन्हां बारे ज़्यादातर यह हुंदा हैगा कि नवीं पीढ़ी है जिहड़ी, उहने बेड़ा गर्क करता सारे कास, यह नवीं पीढ़ी है जिहड़ी, उह सुनेहा गुरु साहब दा नाल लैके चल रही है जो गुरु साहब ने सदियां पहलां दित्ता। गुरु नानक देव जी ने सदियां पहलां भुखे साधुआं नूं लंगर छकाया सी, उदों दी प्रथा सिखां शुरू हुई, हर थां पहुँचते ने। सिख धर्म वालों सिख भाईचारे वालों थां थां लंगर लाए गए ने, असीं शंभू बॉर्डर ते खड़े हाँ। वो प्रथा जो गुरु नानक साहब ने सदियां पहलां सानू सिखाया, वह लड़ बन्निया होया सिख भाईचारे ने हमेशा, जिथे भी भीड़ पैंदी है, कोई भी धर्म होवे, कोई भी जात होवे, कोई भी फिरका होवे, कोई भी बंदा होवे, कोई भी रेस होवे, सिख हमेशा पहुँचते हैं लंगर लैके। और भाई कन्हैया जी वांगू कदे भेदभाव नहीं किया जाता, जिवें भाई कन्हैया जी पानी पिया रहे सी दुश्मन फौज नू भी, उस तरीके दे नाल सिखां दे लंगर भी वरताए जाते हैं। तुसीं देख रहे हो तस्वीरां शंभू बॉर्डर तो असीं दिखा रहे हैं, पंजाब ते हरियाणा दा यह बॉर्डर आ शंभू बॉर्डर, जिथे जिहड़े आ रहे ने वख वख लोग, तुसीं तां तुहानूं तस्वीरां दिखा देणा, पिछे छक रहे ने लंगर, इत्थे लोग लंगर भी छक रहे ने। और नाल दी नाल ही उह सुनेहा जिहड़ा सिख धर्म का, वह स्नेहा जिहड़ा हमेशा दिता जाता, यही खूबसूरती है, तो यही यादा ने तुहानूं बाहर बोर्ड भी दिखाने, बाहर भी लोगों का दिखाने किस तरीके दे नाल लोग जिहड़े इत्थे लंगर छक रहे ने। और हमेशा इस तरह दे पहलकदमियां ने जिहड़ियां, वो पहलकदमियां कीतियां जांदियां ने, इनिशिएटिव लए जांदे ने। आ तुसीं देख रहे हो किवें इत्थे लंगर छकाया गया, बकायदा तौर ते इत्थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इकट्ठ आ, और अपने तरीके नाल डेस्क भी लाए ने, थले भी बैठे हुए ने लोग, हरियाणे तो भी लोग आए ने, उत्तर प्रदेश तो भी लोग आए हुए ने, कुछ लोग राजस्थान तो भी, हर थान तो लोग आए ने। आ बोर्ड बकायदा तौर पर इतने ला के स्नेहा दिता जा रहा, और अंदर ही नहीं बाहर भी। आ तुसीं देखो किसान वीरां लई लंगर सेवा गुरद्वारा मंजी साहब अंबाला, ये जिहड़ी है बकायदा तौर पर सेवा की जा रही है। और आ इत्थे देखो तुसीं, इत्थे भी लंगर वरताया जा रहा, इत्थे भी लंगर वरताया जा रहा, तुसीं देखो उधर दाल आ इत्थे प्लेटां च बकायदा तौर पर हर बंदे। और जिहड़ी मैं गल कह रहा सीगा कि जिहड़ी खूबसूरत गल आ, जिथों मर्जी कोई बंदा होवे, जिस मर्जी धर्म का होवे, जिस मर्जी जात का होवे, जिस मर्जी फिरके का होवे, जिस मर्जी रेस का होवे, कदे कोई भेदभाव नहीं। लंगर की पंगत का मसला भी है, संगत ते पंगत, पंगत का सुनेह ही यह सी कि संगत ते पंगत का इकट्ठे बैठो, धर्मां जातां नूं भुल्लो, और दुनिया के उत्ते इस तरह की कोई गल ना करो। और लंगर वो गल सब तो ज़्यादा सिखाउंदा, लंगर की ताकत आ, दुनिया नूं इक करन दी ताकत लंगर नूं दित्ती। लंगर दे अंदर जदों बैठदे आ किसी का धर्म नहीं पुछा जाता, किसी की जात नहीं पुछी जाती, जिवें बाकी धर्मां ते बाकी थावां ते भेदभाव सी, पर गुरु साहब ने भेदभाव मिटाया। अज भी ये देखण नूं मिल रहा, तुसीं देख रहे हो पानी की भी सेवा, रोटी पानी तुसीं देख रहे हो इस तरह लोग आके लैंदे आ, पानी की सेवा, हर सेवा जिहड़ी इत्थे कीती जा रही है। उधर पानी का लंगर भी तुहानूं दिखाउने आ, इत्थे इस तरह छक रहे ने लोग लंगर बाहर, इत्थे लोग छक रहे ने, इधर पानी तुसीं देखो किस तरीके दे नाल, पानी की भी बकायदा तौर पर स्टाल इत्थे लाई हुई हैगी, इत्थे भी जिहड़े वाटर कूलर ने जिहड़े रखे गए ने ताकि किसी नूं समस्या ना आवे। हज़ारां की गिणती च किसान इत्थे पहुँचे ने। सदियां पहलां दा सुनेहा सदियां बाद किवें कैरी हुंदा, किवें चलदा, वो असीं तुहानूं दिखाउने आ। और इधरले पासे भांडे धोण की सेवा भी जिहड़ी आप ही लोग आउंदे आ, आप सेवा लैंदे ने। सेवा का मतलब ही ये हुंदा कि सेवा च किसी की ड्यूटी नहीं लाई जाती कि ड्यूटी लाती, लोग आप पार्टिसिपेट करते। हरियाणे के भी पंजाब के भी मैं गल भी करूँगा सारे। आप हरियाणा से हो? अच्छा, अंबाला से। अंबाले तो लंगर की इतने सेवा चल रही हैगी, और हमेशा गुरु साहब ने जो स्नेहा दिता वो इतने देखने मिल रहा है। हाँ जी, 24 घंटे इतने सेवा कर चलती है, और जेड़ा मर्जी इतने आओ लंगर छको तो खाओ। सेवा तुम आप ही या ड्यूटियां लगिया? नहीं, आप ही। देख रहे हो नौजवान बहुत सारे सेवा कर रहे हैं इतने, भांडे साफ करन दी, और यह जिहड़ियां चीज़ां ने
दुनिया से बहुत कुछ आता बहुत जाता ये प्रथा जी ये गल्लां बचनिया जड़िया ने वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और गुरु साहब ने सदियां पहलां दा इतिहास किवें उंगल फड़ के नाल चलदा सदियां पहलां दियां गल्लां उंगल फड़ के नाल चलदियां ने साडी नवीं पीढ़ी दे ते आ साडी नवीं पीढ़ी आ सारी जिन्हां नूं कहा जांदा कुछ नहीं करदे जिन्हां बारे ज़्यादातर यह हुंदा गा कि नवीं पीढ़ी है जी जिहड़ी उहने बेड़ा गर्क करता सारे कासे ये नवीं पीढ़ी है जिहड़ी उह सुनेहा गुरु साहब दा नाल लैके चल रही है जो गुरु साहब ने सदियां पहलां दित्ता ते इस धरने दे अंदर तस्वीरां तुसीं देख रहे हो इस धरने दे अंदर वो सारे सुनेहे और ये एक गल दा नहीं कोई किसान अंदोलन का मसला नहीं किसी धर्म की गल होवे किसी मजहब की गल होवे किसी जात की गल होवे सिख हमेशा अगे वध के आउंदे ने हमेशा वो आइडिया जो गुरु साहब का कि सिख धर्म सिर्फ सिखां लई नहीं आ सिख धर्म इस लई नहीं है कि सिख धर्म कन्वर्ट करे किसी नूं एक सिखी धर्म आ जिहड़ा कन्वर्ट नहीं करता किसी नूं अपने च तब्दील नहीं करता किसी नूं धक्के नाल सिख नहीं बणाउंदा ते उह सुनेहा जिहड़ा सानूं सारियां थावां ते देखण नूं मिलदा तो वह सुनेहा अज इन्हां संघर्षां च वी देखण नूं मिल रहा और गुरु साहब की पूरी जिंदगी है जिहड़ी उह संघर्षां दी जिंदगी है गुरु नानक देव जी तो लैके दसम गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी तक बाबर तो लैके औरंगजेब तक तुसीं देख लो संघर्ष ही संघर्ष है गुरु साहब की जिंदगी तो उन्हां संघर्षां च ये सारियां प्रथावां चाहे लंगर सी जां होर जिन्नियां साडियां वो प्रथावां शुरू होईयां जिन्हां ने पंजाब नूं एक नवीं तरह की ऊर्जा दित्ती जिन्हें पंजाब बदलिया पंजाब गुरु साहब तो पहलां भी सी पंजाब गुरु साहब तो बाद भी है पर गुरु साहब ने पंजाब नूं बदलिया सी ते बदलिया होया पंजाब उदों तो अज तक नज़र आउंदा है ते यही गल्लां गवाही भरदियां ने ते यही गल्लां नवीआं परिभाषावां घड़दियां ने कैमरामैन शमशेर दे नाल यादविंदर सिंह प्रो पंजाब टीवी शंभू बॉर्डर।